एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है फ्राइडे और सुबह के 9 बज रहे हैं। तो जैसा कि सबको पता है, मैं मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूं, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूं सुबह के 9 बजे से। एक्चुअली आज ब्रेकफास्ट तैयार करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूं मैं, और भिंडी की सब्ज़ी मैंने कल रात को बनाई थी, उसमें से थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर रह गई है, तो मैं वही ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लूँगी। और हस्बैंड भी आ गए थे कल रात को ही, तो मैं पराठे और चाय बनाऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं, बस सब्ज़ी तो है ही। और कभी कभी पराठे चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट करना। तो ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर लिया है और मैं दोनों का ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ हॉल में, और साथ में हम टीवी भी देख रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड के मोबाइल में कुछ मैसेज वगैरह आए थे, तो मैं वही देख रही थी, वो दिखा रहे थे। और साथ ही साथ हम ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। इसीलिए साथ में कुछ बातें भी कर रहे हैं और साथ में ब्रेकफास्ट भी है। तो टाइम हो गया है 9:45 बजे का, और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और आज हस्बैंड भी आ गए। एक्चुअली वो पहुँचे थे कल रात को 9:30 बजे, 10 बजे के करीब पहुँचे थे वो, और उसके बाद आके उन्होंने डिनर वगैरह किया। तो सोते सोते 10:30 बज गए। तो हम लोग सुबह उठे थे 8 बजे, और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। कमरे की हालत आप देखिए कैसी हो रही है। और हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हैं, आज उन्होंने ऑफ नहीं लिया है, वो कल लेने वाले हैं ऑफ। तो एक बार मैं मिला देती हूँ आपको। तो हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस के लिए, और अब मुझे अपने बाकी घर के काम करने हैं, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। आज मशीन लगाई है, मशीन में कपड़े वॉश करने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, और सारी बेडशीट वगैरह भी वॉश करने के लिए डाली है इस रूम की, ये वाली बेडशीट डाली है, और बाहर हॉल की बेडशीट भी डाली है वॉश करने के लिए, वो करने हैं। और झाड़ू अभी नहीं किया है, झाड़ू लगाऊंगी। पोछा आज मैं स्किप कर रही हूँ, तो मुझे पोछा नहीं लगाना है आज, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। और मेरा फेस थोड़ा सा ऑयली लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने एलोवेरा जेल के साथ एसेंशियल ऑयल अप्लाई कर किया है मिक्स करके दोनों को, तो उससे काफ़ी अच्छा होता है फेस, और फेस पे जो पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा है उसको अपनी जगह पर अरेंज करके रख दूंगी। ये मोबाइल चार्जर वगैरह है, पानी की बोतल है, तो पहले इनको मैं अपनी जगह पे रख दूंगी, और उसके बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने का काम करूंगी, क्योंकि काफ़ी डस्ट हो जाता है रूम में, एक दिन में ही ऐसा हाल हो जाता है, तो अगर एक भी दिन झाड़ू स्किप किया तो बहुत गंदा लगता है मुझे अपना रूम, तो इसलिए मैं डेली झाड़ू लगा लेती हूँ। भले ही मैं पोछा स्किप कर लूँ, लेकिन झाड़ू थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। और मेरे रूम की हालत कुछ बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, आप इग्नोर करना इसको प्लीज़। और यहाँ पर मेरा एक ऑर्डर आया है, एक्चुअली ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है एक सूट,
और ये रक्षाबंधन के लिए मंगाया था मैंने, तो यही मैं ओपन करके देख रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है, नए कपड़े आते हैं घर पे, तो उसको जल्दी से खोल के देखने की एक्साइटमेंट रहती है, और ये मेरी नहीं, सबके साथ ऐसा होता होगा, तो इसलिए मैं फटाफट से सारे काम छोड़ के बैठ गई हूँ अपना ऑर्डर देखने के लिए कि कैसा है। और ये सूट है, साथ में प्लाजो पैंट है और एक दुपट्टा है, पूरा सेट ही एक साथ में है, और ये मुझे पड़ा है 1800 रुपये का आई थिंक, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं वो लोग, तो टोटल डिलीवरी चार्जेस वगैरह मिला के मुझे 1800 का पड़ा है। तो मैं सारे चीज़ें चेक कर रही थी कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है कपड़े में, और इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी बड़ा है लेंथ में और काफ़ी विड्थ भी अच्छी है इसकी। तो सूट मैंने पहन लिया है, एक बार मैं फुल व्यू आपको दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है, बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और दुपट्टा सबसे अच्छा है, सॉफ्ट एकदम कॉटन का है, और सूट भी कॉटन का है लेकिन उतना सॉफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, तो टोटल मुझे काफी अच्छा लगा, एक बार आप देख लीजिए। तो कैसा लगा मेरा सूट आप कमेंट करके जरूर बताना, और ये कलर कैसा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा ये कलर, और दुपट्टा काफी लंबा है इसका, और ये रक्षाबंधन के लिए हो जाएगा मेरा। तो सूट मैंने ट्राई कर लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं इसको वापस नहीं करूंगी। वैसे मैंने सोचा था कि अगर पसंद नहीं आया या फिर फिटिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो मैं इसको एक्सचेंज कर लूंगी, लेकिन ये अच्छा निकल गया। वैसे भी ऑनलाइन कपड़े मैं बहुत कम मंगाती हूँ, क्योंकि सूट मैंने बहुत कम मंगाई है ऑनलाइन आज तक, टॉप वगैरह जीन्स ये सब चीज़ें तो मंगा लेती हूँ, लेकिन मैंने सूट बहुत कम मंगाए हैं, लेकिन ये पहला सूट है जो एक बार में मुझे पसंद आ गया और फिटिंग भी आ गया है, तो मैं इसको एक्सचेंज नहीं करने वाली। अभी पूरे 11 बज गए हैं और मेरा अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है सच में, क्योंकि ये बेड बनाने में मुझे लग गए 5 से 10 मिनट, तो इसी में लग गए, बाकी मैं सूट वगैरह देखने में लग गई, और फिर झाड़ू लगाया उसमें लग गए 15-20 मिनट। पता नहीं सुबह से मैं कर क्या रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं हुआ है। किचन अभी वैसा ही फैला पड़ा है, मशीन में कपड़े डाले हुए हैं वो वॉश करने हैं, उसके बाद हस्बैंड के लिए टिफिन बना के भेजना है, बहुत सारे काम है। एक्चुअली आज मम्मी आ रही है, मम्मी मतलब कि मदर इन लॉ, मैं दोनों को मम्मी कहती हूँ इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, मदर इन लॉ आ रही हैं। एक्चुअली उनको हॉस्पिटल में दिखाना है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चश्मा वगैरह चेंज करवाना है, तो इसलिए आ रही हैं वो अकेले, और आ जाएंगी वो 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगी, तो अगर डॉक्टर आज मिल गए तो आज ही उनको दिखा देंगे हॉस्पिटल, अदरवाइज कल दिखाएंगे, फिर परसों तो संडे हो जाएगा। और पापा लोग नहीं आए हैं क्योंकि घर पे भी कोई लोग चाहिए होते हैं ना देखने के लिए, वो पिथौरागढ़ से आई हैं, मतलब पापा लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं और मम्मी वहां से आई हैं, और वहां से आने में लगते हैं 6 से 7 घंटे लगते हैं, वो टैक्सी करके आ रहे हैं, कोई और भी है पड़ोस का साथ में, तो 6-7 घंटे में वो पहुंच जाएंगे, सुबह 8 बजे निकले थे, तो अभी मुझे उनके लिए भी लंच बनाना पड़ेगा आई थिंक, मैं फोन करके पूछ लूंगी, बाकी फटाफट से काम कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं बाद में बात करूंगी आपसे। तो इतने सारे कपड़े मैंने वॉशिंग पे लगाए हुए हैं, तो एक बार इसको मैं और घुमा देती हूँ।
तो जब तक मशीन में कपड़े चल रहे हैं तो तब तक मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि किचन भी काफ़ी मैसी हुआ है। जैसे मेरे रूम बेकार से लग रहे थे वैसे ही किचन की हालत भी हो रही है, तो मैं सबसे पहले किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद लंच भी बनाना होता है और जो बर्तन चाहिए लंच के लिए वो भी वॉश करने वाले हो रहे हैं। तो बर्तन वॉश करने हैं, काउंटर टॉप क्लीन करना है, और ये रोटी वाला रुमाल जो है इसको भी मैंने भिगो के रखा है सर्फ में, तो इसको भी मुझे वॉश करना है। एक दिन थोड़ा सा लेट हो जाओ तो ऐसा लगता है कि न जाने कितने सारे काम पड़े हैं अभी। मेरा ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता होगा आई थिंक, क्योंकि जल्दी से काम ख़त्म करने की आदत होती है, तो ऐसा लगता है कि काम मेरा अभी तक हुआ ही नहीं है, न जाने कितनी देर हो गई है। और यहाँ पर कपड़े भी धुल गए हैं, इनको मैंने ड्रायर में सुखा भी लिया है। एक्चुअली कपड़े मैं मशीन में एक दो बार चला लेती हूँ पानी चेंज करके, और उसके बाद मैं हाथों से ही निकाल लेती हूँ दो तीन बार वॉश करके। तो मशीन में अगर इस तरीके से वॉश करूँ तो काफ़ी पानी वेस्ट होता है, इसलिए मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। और कपड़े ड्रायर करने के बाद मैं एक बार मशीन भी वॉश करके रख लेती हूँ, और क्योंकि मुझे ये किचन में रखना होता है तो इसलिए एकदम साफ़ सुथरी मशीन रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्मेल करने लगती है फिर मशीन अगर बंद पड़ी हो। बहुत कम यूज़ होता है वैसे भी मेरे घर में मशीन का, तो इसको मैं सूखे कपड़े से एक बार अच्छी तरीके से पोंछ के फिर इसको रख दूंगी। और अभी बच गए दोपहर के एक, मेरा काम जस्ट 12:30 बजे कम्प्लीट हुआ था, तो उसके बाद मैंने दाल बॉइल करने को रख दी थी। दाल बॉइल हो गई है पीछे कुकर में, और अब मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो कद्दू मैंने कट कर लिया है, काफी दिन से रखा था, ये 5-6 दिन होने वाले हैं कद्दू को मैंने बनाया नहीं था, तो ये बना रही हूँ मैं। और इसके लिए मैंने लहसुन कूट के रख लिया है, क्योंकि कद्दू की सब्जी में मैं हमेशा लहसुन मिलाती हूँ और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया आज तो मुझे रेस्ट करने का, बैठने का भी टाइम नहीं मिल पाया, इवन मैं पानी तक भी नहीं पी पाई। तो आज बहुत काम रहा, बहुत बिजी डे है आज का, और आज गर्मी भी बहुत है क्योंकि बहुत तेज धूप आई हुई है, और क्योंकि मैंने मशीन में कपड़े वॉश किए हैं तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। कपड़ों के लिए तो अच्छा है लेकिन थोड़ी सी गर्मी हो रही है आज। तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, 1 बज गया है तो मुझे 2 बजे तक टिफिन भिजवाना पड़ेगा कैसे भी। और अभी चावल भी रखना है, सब्जी डाल देती हूँ फिर चावल बनाती हूँ।
अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का और मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। एक्चुअली मैं 2 बजे तो बहुत ही लेट होता है खाना, मैं 1-1.5 बजे तक खा लेती हूँ। तो आज मुझे भूख लग रही थी और सुबह से इतना सारा काम भी था, तो लंच एकदम रेडी हो गया था, मैंने फटाफट से खा लिया। दाल है, कद्दू की सब्जी है, चावल है और सलाद है। अभी टाइम हो गया है 2:40 और मैं इतने सारे कपड़ों का पहाड़ उठा के लाई हूँ छत से, ये सब सूख गए हैं तो इनको मुझे अरेंज करके रखना है। और मैंने लंच कर लिया है, मम्मी अभी तक आए नहीं है, उनका वेट कर रही हूँ। उनके लिए मैंने खाना भी बना के रखा है, वो शायद 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो और टुडे आई एम फीलिंग टू टायर्ड, तो मुझे लग रहा है इस व्लॉग को भी यहीं एंड कर देना चाहिए। मिलेंगे मेरे नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।